तो लेनेवो टैब प्लस, इसका आज कहने वाला हूँ अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड कंप्लीट टेस्ट। प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन कैसी है, साथ ही कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको बता दूं इसे 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया यूज करते हुए, तो अपना सारा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें से इसकी बैटरी लाइफ हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, डिस्प्ले क्वालिटी हो गई और साउंड क्वालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारी चीजें होंगी। क्या क्या अच्छाइयां कमियां मैंने अभी तक नोटिस की हैं, किन लोगों के लिए ये टैबलेट लेना सही होगा, सब कुछ इन डेप्थ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पर स्टार्टिंग में आपको बता दूं, यहां पे गेमिंग वगैरह मैं टेस्ट नहीं करूंगा। नॉर्मल लाइफ में जैसे कि एक आदमी टैबलेट या फिर फोन यूज करता है, उसी तरीके से यहाँ पे सारी टेस्टिंग होगी। तो वीडियो के साथ चिपक जाओ, स्टार्ट से इन तक देखना, पसंद आए लाइक करना, हेल्पफुल लगे तो भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके के व्हाइट बॉक्स में आता है लेनेवो का ये टैब। चलिए बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू और सारे फीचर्स वगैरह जो भी चीजें इस पे मेंशन है आपको दिखा बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लेनेवो टैब प्लस, इसका मॉडल नेम, कूल सा इमेज हमारे मेन प्रोडक्ट का, इधर साउंड बाय JBL जो कि इसका मेन हाईलाइटेड फीचर है, लेनेवो की ब्रांडिंग। आ जाते हैं बॉक्स के पीछे, यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स आइकन के साथ, तो देख लेते हैं। 11.5 इंच 2K डिस्प्ले, ऑक्टा JBL स्पीकर, टोटल 8 JBL के स्पीकर इस टैबलेट में लगे हैं जो कि इसको सबसे ज्यादा यूनिक बनाते हैं। ऑक्टा कोर स्पीकर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मीडियाटेक हीलियो G99, लार्ज बैटरी, वाइड एंगल इंटीग्रेटेड स्टैंड, यहाँ पे एक स्टिकर पे बाकी सारे इन्फो और सेल बिल्कुल सही है। आप भी कोई भी चीज परचेज करें तो सेल बिल्कुल सही चेक कर लेना। तो ये था सारा कुछ बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू। नेक्स्ट अभी इसको करते हैं, इसके सील को कट और कर लेते हैं फटाफट ओपन। तो सील हो गई है कट, अभी प्रेम से इस बॉक्स को कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ओपन एंड फाइनली ये हो गया ओपन। तो कुछ इस तरीके से पूरे ही बॉक्स में हमारा टैबलेट ऊपर ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से, और ठीक ठाक इसका वेट है। अभी इसको रखते हैं एक तरफ, बाकी कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो यहाँ पे 2 सेपरेट बॉक्सेस हैं, अलग अलग एक्सेसरी वगैरह इसमें होंगे। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स को देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमें मिल जाता है इसके साथ एक इसका एडाप्टर चार्जर, और ये जो टैबलेट है वो 45 वॉट के चार्जर के साथ आता है, जो कि बाकी टैबलेट्स में इतने पावर के हमें एडाप्टर नहीं मिलते हैं, चार्जर नहीं मिलते हैं, तो ये चीज़ भी एक प्लस पॉइंट है इस टैबलेट के साथ। इसके साथ ही ये हमारा USB-C to USB-C केबल, और लेंथ की बात करें तो 1.2 मीटर का ये होगा। आ जाते हैं अदर साइड, अब यहाँ पे हमें मिलता है कुछ वही क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, वारंटी गाइड वगैरह। इसके अलावा एक ये कार्ड इजेक्टर टूल मिलता है, सिम इजेक्टर टूल जो भी आप कहो, पर इसमें सिम नहीं है, ये वाईफाई वाला वेरिएंट है ओनली। इस टैबलेट में सिर्फ वाईफाई वेरिएंट आता है, तो ये हमारा माइक्रो एसडी कार्ड रिमूव करने के काम आएगा। तो इस बॉक्स में कुछ ये सारी चीज़ें हमें मिली थी। चलिए बाकी चीज़ों को हटा देते हैं और आ जाते हैं मेन चीज पे, और अभी है मेरे हाथ में ये एक्चुअल टैबलेट। चलिए इसको अनरैप कर लेते हैं इस पेपर वाले प्रोटेक्शन पैक से जो भी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मेंशन है, कंट्रोल्स वगैरह। वो तो फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो है और इसकी डिज़ाइन है जो पूरा मेटेलिक फिनिश के साथ ही आता है, पूरी ही इसकी बॉडी मेटल की बनी है, एल्युमिनियम की, तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये हाथ में लेने पर भी और दिखने में भी। चलिए सबसे पहले इसका वेट स्केल कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबलेट 662 ग्राम्स का, 650 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर। चलिए पूरे ही डिवाइस का फिजिकल ओवरव्यू और क्या चीज़ें कैसे मिलती हैं सब कुछ आपको दिखा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आगे के साइड हमें ग्लॉसी फिनिश में मिलता है हमारा डिस्प्ले, जो कि 11.5 इंच का IPS डिस्प्ले है। साइड्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक, कमाल की प्रीमियम। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मिलता है हमें Type-C पोर्ट चार्जिंग के लिए, या फिर डाटा सिंक वगैरह यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बड़ा सा जो सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे ड्यूल हमें वूफर्स लगे हुए मिलते हैं JBL के, और ये पतला वाला जो सेक्शन है यहाँ पे है 2 ट्विटर्स। Dolby Atmos भी यहाँ पे मेंशन है क्योंकि उसका सपोर्ट मिलता है। टॉप से देखे तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट से डिजाइन है, और यहीं पे हमें मिल जाता है हमारा माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, ये होगा हमारा ड्यूल माइक्रोफोन, और उसके साइड में ही वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाती है जो कि काफी क्लिकी है। टेबलेट के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मिलती है हमें पावर बटन, 2 हमारे और ट्विटर्स, और यहाँ पे अगेन ड्यूल वूफर्स। उसके साइड में हमें मिल जाता है 3.5 mm ऑडियो जैक भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड बाय JBL। ये है टेबलेट का बॉटम, और यहाँ पे बीच में जो आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे इनबिल्ट हमें स्टैंड भी लगा हुआ मिलता है। काफी स्ट्रांग हिंजेस यहाँ पे यूज किए गए हैं जो कि मल्टीपल एंगल पे सेट हो जाते हैं, जिस भी डिग्री पे आपको इसको सेट करके यूज करना है
काफ़ी अच्छी चीज़ जिसमें ये इनबिल्ट लगी है। इधर एक स्टिकर जिस पे वही हमारा सीरियल नंबर वगैरह और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये स्टैंड काफ़ी आराम से यहाँ पे, ये देखिए परफेक्टली यहाँ पे क्लोज भी हो जाता है। और ये इसकी बैक साइड, यहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा मिलता है और यहाँ पे है लेनोवो की शाइनी सी ब्रांडिंग। और यहाँ फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा भी हमें मिलता है। तो चलिए अभी इसको करते हैं पावर ऑन, देख लेते हैं इसमें कुछ बैटरी वगैरह बची है या नहीं। तो ये साइड में लगा हमारा पावर बटन, लॉन्ग प्रेस करते हैं और ये होगा ऑन, फर्स्ट टाइम बूट अप। लेनोवो की ब्रांडिंग, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। और ये हम पहुंच गए इसके लॉगिन स्क्रीन पे। लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश स्टार्ट। वाईफाई से कनेक्ट करने को बता रहा है जो कि मैं बाद में करूंगा। सेटअप ऑफलाइन कंटिन्यू। तो सारे सेटअप वगैरह कर लेते हैं उसके बाद आता हूँ वापस। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया फर्स्ट टाइम बूट अप। आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या ऐप मिलते हैं तो देख लेते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, जो एक्स्ट्रा ऐप हैं उनको इजीली आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगा ही। यही कुछ ऐप थे, इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा ऐप नहीं है। गूगल के ऐप तो ऑलरेडी ही बहुत सारे हैं। तो इससे पहले कि बाकी कुछ मैं दिखाऊँ, सबसे पहले वाईफाई से इसे कनेक्ट करता हूँ और सबसे पहले साउंड टेस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे मेन हाईलाइट तो यही है। ये मैंने कर दिया है साउंड प्ले 75% वॉल्यूम पे। माइक में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं होगा, पर रियल लाइफ में जब इन पर्सन आप इसे सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टीरियो सेपरेशन कितना जबरदस्त है। नेक्स्ट सॉन्ग, वॉल्यूम को बढ़ा के मैंने कर दिया लगभग 90%। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग साउंड आउटपुट है और बेस भी सच में फील हो रहा है, ईयरफोन लगा के ही सुनना। नेक्स्ट सॉन्ग, और यहाँ पे वॉल्यूम मैंने 100% कर दिया है। कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा लाउड है। टेस्ट भी करते हैं जैसे कि आपको इसके डिस्प्ले की क्वालिटी और ऑडियो डायलॉग वगैरह मूवी देखते टाइम आपको कैसी मिलेगी इसके जरिए वो आप देख सकते हैं। ये YouTube पे मैंने प्ले किया है, चलिए आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ कितना आपको YouTube के ऐप में यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 1440p मतलब कि 2K तक आप इसमें प्ले कर सकते हो। ये देखिए आसानी से वीडियो बफर होके इजीली चल रहा है। व्यूइंग एंगल की बात करें तो काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। अभी मैं इंडोर में हूँ पर हर रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है डिस्प्ले पे ग्लॉसी फिनिश होने के कारण। तो यहाँ पे 2K तक ही वीडियो प्ले हो रहा है YouTube के ऐप में। पर एक ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको Google Chrome से अगर जाके YouTube आप ओपन करके यहाँ पे देखिए आप सेटिंग में जाते हो तो आपको 4K तक की भी सेटिंग मिल जाती है और उस पर आपका वीडियो चलेगा। कि यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये लोड ले रहा है क्योंकि मेरा जो नेट है उसकी स्पीड कम है, इसीलिए ये बीच बीच में बफर कर रहा है। पर अगर आपके नेट की स्पीड 100 Mbps तक की भी है तो इजीली 4K वीडियो चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है। काफ़ी कमाल की डिस्प्ले है। साथ ही इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखनी है, वैसे आजकल तो रील का ही फैशन चल रहा है, दिन रात लोग स्वाइप कर रहे हैं, तो आप भी इसको लेके कर सकते हो। बैटरी बैकअप तो अच्छा मिलता ही, आगे इसके बारे में बात करूंगा। बाकी लाइव टीवी वगैरह भी आप इसमें देख के बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं, टीवी जैसा मजा मिलता है। लगे हाथ मूवी का भी एक सैंपल आपको दिखाई देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि अगर मूवी आप इस टैबलेट में देख रहे हो तो कैसा साउंड आउटपुट मिलेगा और किस तरीके से सारे कुछ डायलॉग पॉप अप होके आते हैं। तो यार मजा आती है यहाँ पे मूवी वगैरह देखने में। इसके जो 8 स्पीकर हैं वो बिल्कुल सराउंड साउंड जैसा फील कराते हैं।
बाकी इसको आप स्क्रीन के एक साइड रख के बाकी मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। तो इंटरटेनमेंट का पूरा कुछ खजाना है टैबलेट, इसके साथ ही एक सरप्राइज़ ये भी है, बाकी सारे वीडियोज़ में किसी ने शायद ये चीज़ मेंशन नहीं की होगी, इस टैबलेट में आपको एफएम रेडियो भी मिलता है। बस आपको ईयरफोन एज एंटीना कनेक्ट करना है, जैसे कि बाकी फ़ोन वगैरह में आप करते हो। वायरलेस होता तो और मजा आती, पर जो है सही है। ये देखिए ईजिली यहाँ पे एफएम काम करता है शार्प साउंड के साथ, जितने भी चैनल आपके एरिया में कैच कर रहे हैं वो शो हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, बाकी आप एफएम को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कूल सा फीचर इसमें मिलता है, वो ये है कि इस टैबलेट को आप एज ए ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर सकते हो। बस इसको अपने किसी भी फ़ोन से या फिर जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उसे कनेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इस टैबलेट को आप एक जगह रख दो और आराम से इसमें ब्लूटूथ स्पीकर की तरह म्यूजिक इंजॉय करो। बिल्कुल सराउंड साउंड वाली फीलिंग वाला स्पीकर। ये देखिए अभी साउंड आ रहा है हमारे टैबलेट से और फ़ोन से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से रखो और इंजॉय करो म्यूजिक। इसके साथ ही एक और बड़ा कूल सा फीचर इसमें मिलता है, जो कि मैं हर रात यूज करता हूँ सोने से पहले, जो सिंगल टाइप करना है यहाँ पे नोटिफिकेशन बार वाले मेन्यू से, और यहाँ पे साउंड आना शुरू हो जाएगा। अब ये साउंड आपको हेल्प करता है सोते टाइम, या फिर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो भी इसको आप स्टार्ट करके टैबलेट की तरफ रख दो, और अलग अलग नेचुरल साउंड या फिर पियानो की म्यूजिक यहाँ पे ढेर सारे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हैं, तो जो चाहो अपने हिसाब से म्यूजिक यहाँ पे प्ले करके चिल कर सकते हो। ये जितने भी साउंड यहाँ पे मिलते हैं वो काफ़ी हाई डेफिनेशन में है, बिल्कुल 3D फील देता है जब इसको आप प्ले करते हो। इसके साथ डॉल्बी एटमॉस को ये टैबलेट सपोर्ट करते ही है, जिसमें से कई सारे आपको प्रीसेट्स भी मिलते हैं, कस्टम EQ भी मिलता है, और मैंने ट्राई किया कस्टम EQ, यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे डायनामिक वाला है। साथ ही इसमें स्टैंड बाई मोड का भी फीचर मिलता है, जो कि आपको पिक्चर फ्रेम वाला फील देगा। अगर आप टैबलेट यूज नहीं कर रहे तो एक तरफ इस तरीके से आप स्लाइड शो वगैरह लगा के रख सकते हैं पिक्चर फ्रेम की तरह। इसके अलावा एक और बड़ा कूल सा ऐप इसके अंदर दिया गया है, जो कि है माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर 2। इसके जरिए आप जो भी कैलकुलेशन आपको कर रहे हैं यहाँ पे अपने हैंड राइटिंग से आप कर सकते हो, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो काफी फन है इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना, और काफी फास्ट भी होता है। साथ ही ये टैबलेट हमारे स्टाइलस को भी सपोर्ट करता है, पर उसको आपको सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और फ्यूचर में साथ में वीडियो भी बनाऊंगा, अभी मेरे पास नहीं है। इसके अलावा इसमें PC मोड भी मिलता है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं बिल्कुल PC वाला विंडो वाला आपको फील देता है। इसके अलावा बाकी सारे कुछ नोटिफिकेशन बार में ही आपको फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो रीडिंग मोड हो, जिससे कि आप टैबलेट में कोई PDF वगैरह बुक वगैरह रीड करते हो तो इसको ऑन कर लो। इसके जरिए आपके आईज पे भी स्ट्रेन उतना नहीं पड़ेगा। साथ ही इसमें डेडिकेटेड आई केयर का भी ऑप्शन मिलता है, ये देखिए इसको जरूर से आप ऑन रखें लंबे यूज के लिए, तो ये भी आपको मिलता है। इसकी इंटेंसिटी भी आप घटा बढ़ा सकते हो। साथ ही QR स्कैनर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बाकी सारे कुछ यूजफुल फीचर यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन के ब्राइटनेस की भी बात हो जाए, तो अभी तक जितना भी आपने वीडियो में देखा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा इसके डिस्प्ले पे ग्लॉसी फिनिश होने के कारण। अभी इसको मैंने 0 ब्राइटनेस पे किया है, चलिए इसको करते हैं मैक्स पे। तो कुछ ये है इसका मैक्स ब्राइटनेस, और उसके बाद भी देख सकते हैं कितना ज्यादा ग्लॉसी है इसका फ्रंट सरफेस। तो हाँ, रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम तो यहाँ पे इस टैबलेट में है। सॉफ्टवेयर साइट्स की बात करें तो अबाउट टैबलेट में आपको लेके चलूं तो ये लेनेवो के UI पे काम करता है, और एंड्रॉइड वर्जन 14 है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। और अच्छी बात इस टैबलेट में ये है कि इस टैबलेट में अभी एंड्रॉइड 14 हमें मिल रहा है, और आने वाले समय में हमें 2 OS अपडेट और मिलेंगे, मतलब कि 15 और 16, और उसके साथ 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिल रहा है इस टैबलेट के साथ। मतलब कि ये टैबलेट आपका 4 से 5 साल तक बिल्कुल परफेक्टली काम करने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए टैबलेट चाहिए तो इसको बिल्कुल से प्रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे कुछ खास तो दिखाने को है नहीं। बैक में 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा लगा है, और फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का। कुछ सैंपल्स यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक ठाक फोटोज वीडियोज ये कैप्चर कर लेता, आपका काम चल जाएगा। वीडियो कॉल वगैरह आपको अगर मेक करना है या फिर मेमोरीज के लिए कोई पिक्चर क्लिक करनी है, तो ये कुछ वीडियो सैंपल देख सकते हैं, कुछ ऐसी है इसकी वीडियो क्वालिटी इसके रियर कैमरा से। 1080p ये कैप्चर हो रहा है, थोड़ा सा सेकी है क्योंकि यहाँ पे कोई OIS नहीं है इस कैमरा के अंदर। बाकी एक्सपोजर भी वही देख सकते हैं, सारा कुछ डार्क दिखाई दे रहा है। तो अगेन जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते।
तो यहाँ पे सारी कुछ टेस्टिंग ओवरव्यू जितना हो सका मैंने दिखा दिया है, और अभी वक्त आ गया आपको बताने का कि मेरा एक्सपीरियंस इस टैबलेट के साथ कैसा रहा अभी तक, क्या यह टैबलेट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर करता हूं तो किन लोगों के लिए करूंगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव सब कुछ यहाँ पे कवर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। लगभग 2 हफ्ते होने वाले इसे यूज करते हुए और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। और जो सबसे हाईलाइटेड चीज है इस टैबलेट में वो है इसके 8 स्पीकर JBL के। जैसे कि आपने वीडियो में टेस्टिंग के सेक्शन में देखा ही कितनी कमाल की साउंड आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक तरफ आपका टैबलेट पड़ा है और बाहर से कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि इस टैबलेट से ये साउंड आ रहा है, इतनी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है। और 8 स्पीकर होने के कारण बिल्कुल सराउंड साउंड वाला फील आता है। स्टीरियो सेपरेशन और जो भी इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन एक सॉन्ग में होते हैं वो सब बिल्कुल अलग अलग पता चलते हैं। तो साउंड में मैं इसे 10 में से 9 नंबर दूंगा। नेक्स्ट सेकेंड चीज जो इसमें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो है इसका बैटरी बैकअप। काफी ह्यूज बैटरी इसमें लगी है। इसका वेट ज्यादा हो जाता है, पर वेट ज्यादा होने के साथ साथ ही हमें यहाँ पे बड़ी बैटरी और साथ ही यहाँ पे ये बड़े बड़े स्पीकर भी मिलते हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। और अभी तक जो बैटरी बैकअप ये दे रहा है भाई बहुत अच्छा है इतने बड़े स्क्रीन साइज के साथ। आपको बता दूं स्टैंड बाई पे ये टैबलेट ना के बराबर बैटरी को ड्रेन करता है। और अगर आपने इसको 100% मान लीजिए, अगर आपने चार्ज कर दिया और एक दिन बाद भी उसको ओपन करके आप देख रहे हो तो बैटरी 99 या फिर 100 पे ही रहती है। नेक्स्ट, जिस प्राइस रेंज में अभी ये टैबलेट आ रहा है या फिर जिस प्राइस रेंज में मैंने इसे परचेज किया है उसके हिसाब से जो इसमें फीचर्स मिलते हैं, जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है या फिर जो इसकी फुल मेटल प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, वो सारी चीजें बिल्कुल वर्थ हैं इसके प्राइस रेंज के हिसाब से। तो ये कुछ थे मेजर पॉजिटिव पॉइंट। कुछ नेगेटिव मेजर पॉइंट की भी बात करनी जरूरी है, जिनमें से सबसे पहले तो इसमें काफी बड़ी सी 11.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि काफी अच्छा कलर प्रोड्यूस करती है। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया, इसका जो फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर ग्लास यूज किया गया है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ है और कुछ ज्यादा ही शाइनी है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन इसके ऊपर दिखाई देता है। और ब्राइटनेस भी यहाँ पे मैक्सिमम 400 nits तक जाता है जो कि इनफ नहीं है। आउटडोर आपको यहाँ पे इसको यूज करने में दिक्कत होगी और इनडोर भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। काश इसमें मैट फिनिश होता है इसकी स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी सिम वगैरह आप नहीं लगा सकते हो वायरलेस इंटरनेट यूज करने के लिए। मान लीजिए घर पे तो वाईफाई है, पर अगर बाहर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बिना इंटरनेट के ही काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा इस डिस्प्ले को आप एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह यूज नहीं कर सकते। इसमें जो टाइप सी पोर्ट मिलता है उसके थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते हैं, तो ये चीज कम से कम तो देनी चाहिए थी, पर अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो ये थे कुछ माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट जो कि मैंने नोटिस किए अभी तक इसको यूज करते हुए। मेरे तरफ से टैबलेट हाईली रिकमेंडेड है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग मीडिया कंजप्शन के लिए एक टैबलेट चाहते हैं या फिर PDF वगैरह ईबुक वगैरह रीड करना चाहते हैं। स्टाइलस भी ये सपोर्ट करता है, आराम से आप कैलकुलेशन वगैरह या फिर आर्ट वगैरह जो भी करनी है इसमें कर सकते हैं। और म्यूजिक वगैरह इसके लिए तो टॉप नंबर का ये टैबलेट मार्केट में सबसे बेस्ट है, 100% रिकमेंडेड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक दे दिया है, वहां से जाके परचेज करो, चैनल को सपोर्ट करो। कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन फ्री है, पूछो, जरूर से मैं रिप्लाई करता हूं। और सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, बाय बाय।